दोस्तों, डीजीपी उत्तर प्रदेश के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के बाद से ही मैं आपसे सोशल मीडिया के जरिए सीधा संवाद स्थापित करना चाह रहा था और इसके लिए मैं एक उपयुक्त विषय की तलाश में था जिससे मेरा संवाद सार्थक हो सके। आज मैं अपने पहले संबोधन में आपको साइबर क्राइम के विषय में एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाह रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान में डिजिटल लेन देन और मोबाइल बैंकिंग के बढ़ते हुए उपयोग से फाइनेंशियल साइबर अपराधों में काफ़ी वृद्धि हुई। फाइनेंशियल साइबर अपराध पर अंकुश लगाने हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 13 मई 2021 को उत्तर प्रदेश में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP के अंतर्गत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 155260 शुरू किया गया है। यदि किसी व्यक्ति के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो उस व्यक्ति द्वारा इस साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। साइबर फ्रॉड होने के बाद पीड़ित द्वारा जितने कम समय में इस हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत दर्ज करा दी जाएगी, उसके पैसे की रिकवरी की संभावना उतनी ही अधिक होगी। इस हेल्पलाइन नंबर पर प्राप्त हुई शिकायत के संबंध में पुलिसकर्मी द्वारा पीड़ित व्यक्ति से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर शिकायत को पंजीकृत किया जाता है। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 155260 के संचालन हेतु एक डेडिकेटेड कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। यूपी 112 मुख्यालय में स्थापित कॉल सेंटर पर 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जिनके द्वारा पोर्टल पर त्वरित गति से शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की जाती है। मैं आपसे अपील करता हूं कि किसी भी अनजान नंबर से कॉल आने पर अपनी गोपनीय जानकारियां, जैसा कि आपका पिन नंबर, OTP नंबर, CVV नंबर इत्यादि साझा न करें। सतर्क रहें, जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। आप देख रहे हैं DBS न्यूज़।